आज हम बनाएंगे कुकरी जॉकी कोडो मिलेट मूंग टिक्की। इसके लिए हमें चाहिए कुकरी जॉकी का कोडो मिलेट, आधा कप कुकरी जॉकी कोडो मिलेट लें। इसे 2 कप पानी में 8 घंटे के लिए भिगो लें। एक कढ़ाई में आधा कप भीगी हुई मूंग दाल डालें। मैंने यहाँ पे बिना छिलके की मूंग ली है। इसके अंदर भीगा हुआ कुकरी जॉकी कोडो मिलेट डालें। 2 कप पानी डालकर 8 से 10 मिनट के लिए इसे पका लें। जब ये उबलकर तैयार हो जाए तो इसे कटोरे में निकाल के ठंडा होने के लिए अलग रख दें। इसमें 1-1 छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च पाउडर डालें। स्वाद अनुसार नमक और 1/2 छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। 1 छोटा चम्मच बारीक कटा अदरक और 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च डालें। इसमें 2 बड़ा चम्मच हरी धनिया पत्ती डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें। तैयार किए मिक्सचर को कटलेट का आकार दें। एक नॉनस्टिक पैन में 2 बड़ा चम्मच तेल या फिर घी गरम करें। इसमें तैयार की हुई मूंग दाल टिक्की पैटीज को डाल दें। हमें इन्हें मंदी आंच पर शैलो फ्राई करना है। एक ओर से गुलाबी रंग आने पर पलटकर दूसरी ओर से भी पका लें। हम इन्हें कुरकुरा होने तक पकाएंगे। कुकरी जॉकी कोडो मिलेट मूंग टिक्की बनकर तैयार है। इसे केचप के साथ गर्मा गर्म परोसें।